Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. This is Abhishek, and today in this video, we are going to start a new lesson. In previous videos, we have completed the 17th lesson, that was cross the wall. Okay. उसमें हमने ये देखा था कि लड़कियों के लिए जो सोसाइटी में बैरियर्स बनाए गए हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उन बैरियर्स को कुछ लड़कियों ने ब्रेक किया और साबित किया कि नो गर्ल्स कैन डू एनीथिंग. ओके, अब हम आज 18th लेसन स्टार्ट करेंगे. किसका? तो ईवीएस का. ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जात्रिया भाई. ठीक है, जात्रिया भाई की स्टोरी से हम क्या जानेंगे? विल गेट टू नो अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटीज़ बट दे आर नॉट अर्निंग अ लॉट ऑफ और इनफ मनी टू सर्वाइव. सो हाउ देयर कंडीशन आर इन द बिग सिटीज. सो जात्रिया भाई क्या हैं? जात्रिया भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झीमली. ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी हियर इज जात्रिया भाई, his sister and dog. Okay, puppies are there. Got it? They were waiting for Sidhya. Sidhya कौन है? इनकी एक बेटी है. ठीक है, it was almost night but Sidhya had not come home. ये रात हो चुकी थी, लगभग रात हो चुकी थी, लेकिन Sidhya अभी तक घर नहीं पहुंची थी. 2 years back Jatriya's family कम टू मुंबई फ्रॉम शिंदूरी विलेज. 2 साल पहले जात्रिया की जो फैमिली थी वो कहाँ आई थी? मुंबई आई हुई थी. ठीक है, ये कहाँ रहते थे पहले? सिंदूरी विलेज में रहते थे. गांव के नाम इनका सिंदूरी था. ये मुंबई जब आते हैं तो हेयर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव. ये यहाँ पे एक दूर के रिश्तेदार को ही जानते थे मुंबई में. ठीक है, और उनके हेल्प से जात्रिया भाई टॉर्न फिशिंग रेप नेट का उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया. वो टॉर्न फिशिंग नेट्स को रिपेयर करते थे. ठीक है, लेकिन इस वर्क से उन्हें इनफ मनी नहीं मिलता था बिकॉज बहुत सारी चार्जेस लगती हैं. अगर आप शहर में रहते हो, आपको मेडिसिंस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, स्कूल फीस, फिर घर में घर का रेंट देना होता है. ठीक है, तो उन सब के खर्च के लिए जितना पैसा ये कमाते थे वो इनफ नहीं था. ठीक है, इट वाजंट इनफ मनी. सो हियर दे इवन हैड टू बाई वाटर. यहाँ पे उन्हें पानी भी खरीदना पड़ता था. ठीक है, और ये टॉर्न फिशिंग नेट्स को रिपेयर करके उतना पैसा नहीं कमा पाते थे. ठीक है, यंग सिद्धिया वाज आल्सो हैड टू वर्क. यंग सिद्धिया आल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी. और इस वजह से जो यंग सिद्धिया था या थी उसको भी पैसा कमाना पड़ता था आसपास के फैक्ट्रीज में काम करके. ठीक है, फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग he cleaned and sorted the big and small fish. Okay, 4 बजे सुबह से लेकर 7 बजे सुबह तक ये जो सिद्धिया है वो क्या करता था? वो मछली को जो है he cleaned sorted the big and small fishes. ओके, जो बड़ी और छोटी मछलियाँ होती थी उनको साफ करता था. ठीक है, देन ही वुड कम होम. और उसके बाद से वो घर आता था, नहाता था और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता था आफ्टरनून में. ठीक है, इन द इवनिंग ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट. और इवनिंग के समय में वो वेजिटेबल मार्केट में घूमते रहता था. और क्या, किस काम के लिए? ही वुड हेल्प सम मेम साहिब टू कैरी हर बैग्स और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सेल द
सेल टू द कबारी वालास, जिसको हम जंक सेलर भी बोलते हैं. सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी. ओके, इस तरीके से सिद्ध्या है वो कैसे काम करता है. मॉर्निंग में 4 बजे उठता है, 7 बजे तक वो फिश की क्लीनिंग करता है, उसके बाद से घर आता है, नहाता है, नहाने के बाद से चला जाता है स्कूल के लिए. स्कूल के बाद से जब इवनिंग में वो आता है तो वो वेजिटेबल मार्केट में जाके, जो मेम साहब लोग होते हैं, लेडीज़ सब्ज़ी ख़रीदने जाती हैं, उनके बैग्स को कैरी करता है, वहाँ से कुछ पैसा उसको मिल जाता है. फिर रेलवे स्टेशन पे जाके जो खाली बॉटल्स लोग फेंक देते हैं, उस बॉटल्स को और न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करके कबाड़ी वाले को बेचता है. और इस तरीके से इसकी फैमिली जो है वो सर्वाइव कर रही है शहर में. ठीक है. इट वॉज नाइट बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम. ये रात हो चुकी थी लेकिन सिद्ध्या अभी तक घर नहीं पहुंचा था. ठीक है. झिमली वाज वाचिंग अ डांस ऑन टीवी. झिमली टीवी पे डांस देख रही थी. थ्रू द नेवर्स विंडो. किसके विंडो से? नेवर्स के विंडो से. ऑफकोर्स इनके घर में तो टीवी होगी नहीं. ठीक है. तो पड़ोसी के विंडो से टीवी देख रही थी. बट जात्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी. लेकिन जात्रिया को टीवी देखना पसंद नहीं था. हेयर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट. यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही डिफरेंट था, अलग था. देखो यहाँ पे उस लड़के का जो सिद्ध्या है, यहाँ पे फिश को कलेक्ट कर रहा है, साफ सुथरा कर रहा है उसको, फिर स्कूल भी जाता है, गार्बेज कलेक्शन का काम करता है, उसको कबाड़ी वाले को बेचता है, एंड देन वेजिटेबल मार्केट में जो मेम साहब लोग होते हैं, बड़े फैमिली के लोग, उनके वेजिटेबल को कैरी करके उनके घर तक पहुंचाता है. इस तरीके से ये पैसा कमा रहा है. ठीक है. तो इनका जो लाइफ है वो शहर में थोड़ा मुश्किल है. और यहाँ पे हर एक चीज़ सेम नहीं है, हर चीज़ अलग है. ठीक है. द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज. ओके, इनका जो क्या है, जो दिन है वो काम करते करते बीतता है, लेकिन जो इवनिंग होती है जब सब घर पे आ जाते हैं तो फिर बातचीत करते हैं और अपने पुराने बातों को याद करते हैं. ठीक है. थिंक एंड टेल. आपको अब यहाँ पे क्या करना, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है वो कर लेना है. क्या है? जात्रिया फेल्ट अलोन इवन इन अ क्राउड ऑफ पीपल. हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? जात्रिया जो है वो अकेला फील करता है भीड़ में भी. क्या आपको ऐसा फील हुआ है? ऑफ कोर्स जब आपके फैमिली मेम्बर वाले नहीं हो तो आप भले ही भीड़ में हो लेकिन आपको क्या लगेगा कि आप अकेले हो. अपना होना ज़रूरी होता है किसी ना किसी को. आपने कभी फील किया है? तो जब आप बड़े बड़े शहरों में जाते हो और कोई नहीं होता है आपके जानने वाला तो आप भी अकेला फील करते हो. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन अ न्यू प्लेस. आपको इमेजिन करना है कि किसी इंसान को कैसा लगता है जब वो अपना नेटिव प्लेस छोड़ देता है जहाँ पे वो जन्म लेता है और कहीं और जाके उसे रहना पड़ता है. गॉट इट? व्हाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जात्रियाज आर कमिंग टू बिग सिटीज? आपको क्या लगता है कि क्यों जात्रियाज जैसी फैमिली जो है वो बड़ी शहर में आती हैं? तो आपको मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था कि लोग बड़े शहर में क्यों जाते हैं. तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग लिखोगे. ठीक है. व्हाई डू पीपल गो टू द बिग सिटीज़? ओके. हैव यू सीन एनी चिल्ड्रेन इन योर स्कूल और नेबरहुड हु ऑल्सो गो टू वर्क? क्या आपने अपने नेबरहुड या फिर आसपास में किसी लड़के को देखा है जो बहुत ही कम उम्र में ही काम करता है और पैसे कमाता है? ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे, अगर वो करता है तो किस तरह के काम करता है? व्हाई डू दे हैव टू वर्क? और उसे इस छोटी उम्र में काम करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों वो काम करता है, ये भी लिखना है. ठीक है. अब है नेक्स्ट टॉपिक, रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज. जात्रिया वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडिल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल. ओके, जात्रिया कहाँ पे जन्म
लेता है। उसका जन्म हुआ था खेड़ी विलेज, जो कहाँ सिचुएटेड है, मिडिल ऑफ द थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स, जंगल और पहाड़ियों के बीच में इसका ये गांव स्थित है। हिज पीपल हैड बीन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न। ओके, तो इनके जो लोग हैं, जात्रेयास फैमिली के लोग हैं, वो इस जगह पे बहुत पुराने समय से रह रहे थे, इवन अपने परदादा के समय से। ठीक है, देयर वाज पीस इन जात्रेयास विलेज, वहाँ पे जात्रेया के विलेज में शांति थी। ऑफकोर्स जो विलेज होती है, वो भी खास करके ऐसे विलेज जो बीच जंगल में हो, पहाड़ियों के बीच में हो, वो तो ऑफकोर्स बहुत शांत रहेगा। ओके, बट नॉट साइलेंस, लेकिन एकदम शांत नहीं होता था, शांति थी। एक पीस का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हों बट शांति से रहते हों, और साइलेंस का मतलब होता है एकदम चुप्पी, कोई हल्ला गुल्ला ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे खुशी वाली पीस थी, सब खुशी से रहते थे, लेकिन लोग बातचीत करते थे, सेलिब्रेशन करते थे, ठीक है, हर एक चीज़ किया करते थे। तो यहाँ पे नॉट साइलेंस का मतलब क्या हुआ कि हर एक काम किया जाता था बट लोग शांति से रहते थे, प्यार से रहते थे। ठीक है, देयर वर सो मैनी शूटिंग साउंड्स, द गर्गल ऑफ फ्लोइंग वाटर। अब किस तरीके का साइलेंस ब्रेक हुआ करता था, तो शूटिंग साउंड मतलब शिकारी शिकार करने आते थे। ठीक है, गर्गल जो फ्लोइंग रिवर होती है, जब वो ऊंचाई से गिरती है तो कैसी साउंड करती है, गर्गर। ओके, द मर्मर ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज होती हैं वो हवा के वजह से उनका जो साउंड होता है, बर्ड्स, तो ये कितना खूबसूरत लगता होगा। ठीक है, पीपल डिड फार्मिंग, लोग वहाँ पे फार्मिंग करते थे, दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, और वो लोग नियर बाई फॉरेस्ट में घूमने जाते थे, बातचीत करते थे, गाना गाते थे। ठीक है, और भी क्या काम करते थे, कलेक्ट करते थे वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राइड वुड्स, ये ओके, ये सब चीज़ें कलेक्ट करते थे अपने फूड के रूप में। गॉट इट, वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, और जो चिल्ड्रन बच्चे थे वो अपने बड़ों के साथ काम करके बहुत सी चीज़ें सीख रहे थे। ठीक है, टू डांस टुगेदर, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, मतलब बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, डांस करना, टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, टू रिकग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड, और ये कैसे बैम्बू कैसे क्ले से पॉट्स बनाया जाता है, बर्तन बनाया जाता है, तो वो भी सीखते थे, बैम्बू से कैसे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स को पहचानना सीखते थे, उनके साउंड को इमिटेट करना, साउंड के इमिटेट करना मतलब मिमिक्री करना, उसकी नकल करना। ठीक है, तो जैसे बर्ड्स बोलती थी, ये लोग भी वैसा आवाज़ निकालने का कोशिश करते थे। कौन, चिल्ड्रंस, कब, अपने एल्डर्स के साथ काम करने जाते थे तब ये सब काम सीखते थे। ठीक है, थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, ओके, पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, ओके, फॉरेस्ट इनको उनके यूज के लिए ढेर सारा सामान दे देता था, वहाँ से उन्हें जाके कलेक्ट करना पड़ता था, लाइक फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स, वुड, ये सब चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, ये इनको कहाँ से मिल जाती थी, फॉरेस्ट से। ठीक है, सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, और उसमें से कुछ सामान ये लोग नदी पार करके, जो टाउन था नदी उस पार, वहाँ पे जाकर बेच देते थे। विद दैट मनी दे वुड बाई साल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लोथ्स, और इस मनी से ये लोग क्या करते थे, नमक, तेल, चावल और कपड़े खरीदते थे। ठीक है, इट वॉज अ विलेज, ये एक गाँव था, बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली,
ये एक गांव था, लेकिन यहाँ के लोग जो थे एक साथ मिलके एक फैमिली की तरह रहते थे, एक बड़ी फैमिली की तरह रहते थे, ठीक है। जात्रिया सिस्टर वाज मैरिड इन द सेम विलेज, और जो जात्रिया की बहन थी वो उसी गांव में उनकी शादी भी हुई। पीपल हेल्प्ड ईच अदर, लोग वहाँ पे एक दूसरे की मदद किया करते थे। इन गुड एंड बैड टाइम्स, सुख दुख कोई भी समय हो, लोग हेल्प किया करते थे, ठीक है। हम अपने भी गांव में देखते हैं कि कभी भी किसी के घर शादी पड़े या फिर कोई मुश्किल का समय हो और कोई सेलिब्रेशन हो या फिर कोई शोक का समय हो, हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे साथ आते हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये गांव का परंपरा है, इट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ विलेज, ठीक है। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वेरल्स, ओके। जो एल्डर्स होते हैं वो शादियाँ अरेंज करते थे और जो भी झगड़े थे उसको ख़त्म करते थे, सेटल करते थे। झगड़ों का नहीं होता है कि गांव में अगर किसी वजह से झगड़ा हो गया, फैमिली में भी झगड़ा होता है, तो उसको सेटल करने के लिए हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो इन द सेम वे इस विलेज में भी जो शादी विवाह का काम था या फिर झगड़ों का निपटारा करना था, उसका काम कौन करता था, जो एल्डर्स थे वो करते थे, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर हेयर, पीपल आर सेलिब्रेटिंग बाय प्लेइंग फ्लूट्स डोल एंड डांसिंग, ओके। जात्रिया वाज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, जात्रिया अब एक ताकतवर नौजवान इंसान था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, और अपने जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके वो काफ़ी मेहनत करता था और खेतों में फार्मिंग का काम करता था, नदियों से मछलियां पकड़ता था। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, वो और उसके फ्रेंड फॉरेस्ट में जाते थे फ्रूट्स रूट्स प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए, नदियों से नदियों से फिश पकड़ने के लिए, टू सेल दीज इन द टाउन, ओके। और इन सबको क्या करते थे, टाउन में बेचते थे। जात्रियाज वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, जो जात्रिया था वो डांस भी करता था और ड्रम भी बजा लेता था विथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, अपने एज के गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ, ठीक है। अब आपको ये सारा टेल जो है वो कर लेना है, ठीक है। इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अभी मैंने आपको खेड़ी विलेज के बारे में बताया, जात्रिया के फैमिली के बारे में बताया, इस विलेज में कितनी शांति है बट साइलेंस नहीं है, कैसे नहीं है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। देन यू विल हैव टू डू द आंसर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।